टाइम टू अनबॉक्स माय न्यू जूते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एक और डेली व्लॉग में। और आज हम लोग देख रहे हैं मेरे येलो वाले शूज। मैंने सॉक्स तो मैंने खरीदी है, मेरे को सॉक्स पसंद है ना, येलो वाली मेरे पास थी भी नहीं, लाइम येलो सॉक्स। सॉक्स भी उसकी है, जल्दी गंदा नहीं हो जाएगा? कोई नहीं, साफ कर लूंगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा, कलर अच्छा है इसका येलो बड़ा। खेलने के लिए वो नॉन मार्किंग वाला चाहिए होता है, तो वो फिर कोट खराब नहीं होता। योनेक्स का जूता देखो, योनेक्स का तो ठीक ही होगा। अभी घर में बनी थी दाल मखनी, और जब से ये डाइट कर रहा हूँ ना, तब से मैं लेग्यूम्स दालें बहुत खाता हूँ, बिकॉज दालें आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। इतना फाइबर दालों में होता है और कहीं नहीं होता। साथ में गाजर और रोटी, मस्त नाश्ता। ये आपका खज्जा इन अ डिफरेंट स्टाइल। इसको क्या किया? मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और थोड़ी सी शुगर ऊपर डस्ट कर दी। चीनी डाल के खाते हैं, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा बन गया यार। वाओ, ऐसा सॉफ्ट भी होगा। लड्डू बन गया ना मम्मा, चूरा करके खा। ड्राई फ्रूट लड्डू, चूरा करके, ड्राई फ्रूट चूरमा हो गया एक तरीके से। एक्चुअली आज मेरा ऐसे खाने को मन नहीं था, तीसरा दिन है ना आज, मैं तो फास्ट का। कोई नहीं, आज डिनर भी मैं बनाऊंगा। यस, नहीं डिनर मैं बना लूंगी, वो मैंने पहले सोचा। टिंडे टिंडे खाओगे? मिस्टर टिंडा, मिस्टर टिंडा खाओगे? मसाले वाला मम्मा, टिंडे भी मसाले वाले, एकदम मसालेदार बनाती है। टिंडे खाओगे आप दाल के साथ? अरे श्योर, दाल के साथ। नहीं, मैं तो खाली टिंडे मसाले वाले वही खिला दो, उसके साथ दो रोटी खानी खा लूंगा। चलो ठीक है, जैसे थर्ड डे फास्टिंग आपका। ये वाले खाजा बनते हैं घर में डेली, जब फास्ट होता है, डेली नहीं जब फास्ट होता है। ये बनता है, मैंने उसका लड्डू बना दिया। ये ऐसे दादी माँ बनाते होते, तीन दिन से हो गया ना, ऐसे नहीं है तीन दिन। सैटरडे को, सैटरडे का फास्ट था, जो सावन मंथ के सैटरडे होते हैं। कल तुम सबका भी था, प्रदोष था कल, तो सावन प्रदोष था, आज सावन का मंडे है, तो इट हैपेंस टू बी, और तीनों वन बाय वन आ गया, दिन कंटिन्यूस फास्ट हो गया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। हेल्थ ब्लॉग में आपको बोला था ना कि ये बाकी प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे, तो ये एक अच्छा, ये वो शर्ट है, मैंने शर्ट मंगवाई है। अब मेरा जो साइज था ना, उससे एक साइज कम की शर्ट मंगवाई है मैंने इन एंटिसिपेशन की क्या वेट थोड़ा सा कम हुआ है, क्या शर्ट का साइज कम हुआ है, वील चेक इट आउट। इसमें क्या है, इसमें कुछ और होना चाहिए। ये भी थोड़ा वर्क रिलेटेड स्टफ है, ये मैंने दो मंगवाए हैं यार। हमारे ना एक्चुअली ट्राईपॉड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये आई थिंक, हाँ ये वो, एक तो ये इसके साथ में वो मोबाइल होल्डर टाइप सी चीज़ मिली है। मोबाइल होल्डर ना हमारे पास एक था मैनफ्रोटो का, ऐसा ही टाइप का। ये मोबाइल होल्डर 100-150 रुपए के मिल जाते हैं कनॉट प्लेस या कहीं से भी। इतनी ऐसे बहुत, इसके अंदर से बहुत ही ख़राब सी आवाज़ आ रही है, डर लगता है आपको इतना महंगा अपना फ़ोन इस पर लगाने पर। बट जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मैनफ्रोटो के पहले यूज़ करते थे, फिर मैनफ्रोटो के मोबाइल सिर्फ ये चीज़ ट्राईपॉड के बनने के, सिर्फ ये चीज़ 1,500 के आने लग गई, और वो क्वालिटी इतनी ख़राब कि वो मतलब आई थिंक मैनफ्रोटो के हम लोगों ने 3-4 माउंट्स घर में अभी भी पड़े हुए हैं, जो यूज़ करते हैं उनमें से कुछ यूज़ करते हैं, कुछ ख़राब हो गया। 1,500 का माउंट जब 6 महीने में ख़राब हो जाता है ना सिर्फ ये, तो बड़ा दुख होता है। जब ये तो नहीं, इससे अच्छे वाले 400-500 के आ जाते हैं। और ये मैंने पहली बार मंगवाया, पता नहीं क्या है ये, इज़ लाइक अ ट्राईपॉड बट फॉर अ फोन। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कि ये कितना हाइट चले जाती है इसकी। इतनी हाइट नहीं है कुछ इसकी, अच्छा और खुल जाएगा, नहीं तो काफ़ी कम हाइट है, तो इतना सा मुझे इस कंस्ट्रक्शन अच्छी है, मेटल कंस्ट्रक्शन है, ट्राईपॉड टाइप सा है ये, किसी पोलम फोटो कंपनी का है, पोलम समथिंग कंपनी का, ठीक है, बट आई थिंक शायद रख भी सकते हैं इसको। हाँ, ये वाली चीज़ ये भी उसी कंपनी का मंगवाया, बट ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हम लोग रख सकते हैं। ये तो हमारे पास एग्जिस्टिंग भी है, अभी ये किसी और कंपनी का है, और इसका बॉल हेड भी वैसा ही है जैसे बॉल हेड मैकेनिज्म है। इसमें बस इसमें ये है कि आपने ग्रिप इसकी ऐसी टाइप की होती है, अभी ठीक है, इस पॉइंट इसकी ये हाइट है और वो
उसके तो मैंने सारे अंजर पंजर अलग अलग कर दिए। और ये लास्ट पार्सल इतने सारे पार्सल में से, और ये छोटा साइज है, ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है। ट्राई करते हैं और मम्मा को भी दिखाते हैं, पूछते हैं, बिकॉज बंदा जो मर्जी चीज़ें ले ले, अगर मम्मा ने वो साइज़ अप्रूव कर दिया कि ये टाइट नहीं है, लूज है, तो एक साइज़ आपका कम हो गया, वरना फिर और वर्जिश करो। वो दूसरे वाले ट्राईपॉड में से ना ये गोप्रो वाला भी निकला है। मौसम देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल हो रखा है, अच्छा मौसम हो रखा है आज, और बारिशों का अभी कोई अता पता नहीं है। पीछे बारिश हुई थी, अभी बस वेदर फोरकास्ट में दिखा रही है, बारिश हो नहीं रही है अभी। स्पेसिमेन नंबर वन, अब होम मिनिस्ट्री से पूछते हैं। लेंथ वाइज छोटी लग रही है, थोड़ी छोटी लग रही है। लेंथ वाइज तो नहीं था, पर ये कपड़ा बहुत पतला लग रहा है। मैंने बोला होम मिनिस्ट्री से पूछते हैं, खेलने के हिसाब से कपड़ा थोड़ा सा ना, थोड़े वो नहीं है, बाहर नहीं है इसमें। हाँ। पर ये कपड़ा थोड़ा मोटा लग रहा है, मुझे बेटर लग रहा है उससे कपड़ा। नहीं वैसे ही लग रहा है ऑलमोस्ट। उसका कपड़ा ज्यादा मेरे को थोड़ा वो लग रहा था कि मतलब पतला सा। हाँ। ये फिटिंग कैसे, इसकी फिटिंग भी ज्यादा ठीक लग रही है, लंबी भी थोड़ी है इसकी फिटिंग, ठीक है ना इससे। हां उससे थोड़ी लंबी। इज दिस फाइन, कैन आई कीप दिस, ये अच्छी है, ठीक है, थैंक यू। पर कलर भी थोड़ा अलग सा है। आपको कैसे लग रही है? ये शर्ट मेरे यूजुअल साइज से एक साइज कम है। क्या बात है, एक साइज छोटा मंगवाया मैंने, बोला लेट्स ट्राई एक्सपेरिमेंट। कितनी शर्टें लेने की जरूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरी शर्टें हमेशा खत्म रहती है, बाकी आप मैनेज करते हो तो आपको ज्यादा पता है। तेरी शर्टें पहली वाली थोड़ी सी हो गई है ऐसी, नहीं बट बाकी आप बताओ ना। और मोर ओवर दिन में आप तेरी तीन तीन ड्रेसेस चेंज हो रही हैं। हाँ। तो मिनिमम चार तो ले ले। ले लूं मैं? हाँ, चार। तो ये क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे। हाँ, ये वाला कलर अच्छा है, मतलब इस कंपनी का ले लूं। हाँ, इस कंपनी के अच्छा। हाँ, अप्रूव, और मतलब ये अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड अच्छा था, सेकंड से थर्ड अच्छा है। यार ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ पकौड़े ही खाओ बारिशों में, जब आपको कुछ मन करे कुछ खाने का आप छल्ली भी खा सकते हो, और छल्ली तो इतनी मतलब मिलती भी नहीं है वैसे, देसी वाली जैसे पापा को पसंद है वैसे ही मुझे पसंद है, एकदम टाइट जाना है तो। बट ये वाला भी ठीक है, चलो घर पे बना के, और इसके साथ मैंने काला नमक नींबू और पेरी पेरी पाउडर के साथ रख के खाया, क्या ऐसे खट्टा चटपटा तीखा, ओ हो मजा। येलो शूज और मैचिंग सॉक्स, वेरी नाइस, कलर अच्छा लग रहा है। नियॉन नियॉन हो रहा है पिकू, तू नियॉन नियॉन कैसे हो रहा है? नियॉन नियॉन नहीं, ये मैंने एक्चुअली वो स्टोरी भाई वही बोल रहे ना, ऑन्टो सुखा के मैंने वो डाल देखे थे। हाँ। येलो कलर के, तब मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, फिर वो पर वो ऑन्टो नहीं मिले थे, ऑन्टो सुखा मिल रहे थे पर वो मेरे काम के नहीं थे, दीज आर मेरे काम के शूज। अच्छा, एंड आई गॉट ग्रेट डील ऑन देम, नाइस। ऑन्टो सुखा मेरे को उतने वो वर्थ इट नहीं लगे, वो वर्थ वाले नहीं लगे मुझे इतने, ये मुझे अच्छे लगे। चलो ओवरऑल ये शूज मेरे को बढ़िया लगे, मैंने ये योनिक्स के प्रिसिशन 2 शूज मंगवाए हैं। ये शूज़ मैंने मोर देन द शूज़ का ब्रांड या मॉडल कलर के लिए मंगवाए हैं, और शूज़ का कंफर्ट भी अच्छा लगा मुझे। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, बात करेंगे कल के ब्लॉग में। जैसे आप देख रहे हो मुझे जूते बहुत पसंद आए।